दोस्तों अगर आप 1,10,000 के बजट में ज़्यादा माइलेज और लो मेंटेनेंस वाली बाइक देख रहे हैं तो ये रही ऑल न्यू बजाज पल्सर 125cc का कार्बन एडिशन स्प्लिट सीट का टॉप मॉडल। इस बाइक में क्या क्या नए अपडेट हुए हैं, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज क्या है, प्राइस क्या है। सबसे पहले कीमत की बात करें तो कोलकाता में इसकी ऑन रोड कीमत है 1,12,787 रुपये। सबसे बड़ा अपडेट आपको मिलता है इसके कलर्स में, और इसका मैं आपको दूसरा कलर भी दिखा देता हूँ। ये सिंगल सीट वाला कार्बन एडिशन का दूसरा कलर है जिसमें आपको मिलते हैं रेड कलर के ग्राफिक्स, जैसा कि यहाँ पर आपको रेड कलर और कार्बन टच फिनिशिंग के स्टिकर मिल जाते हैं, पल्सर का 3D में लोगो। और इसके साथ ही अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका पुराना वाला मॉडल। ये पल्सर 125 का इससे पुराने वाला मॉडल है जिसमें कुछ इस तरह के आपको पल्सर का 3D में लोगो, और ये जो कलर है वो आपको नॉर्मल मिलता था, कोई भी इसमें शाइनिंग नहीं है। बाकी स्टिकर आपको क्रॉस में मैट फिनिश के साथ और वाइट कलर के ग्राफिक्स और साइड बॉडी पैनल आपको मिलता था ग्लॉसी में, और पीछे में 125 का ग्राफिक्स मिल जाता है ड्यूअल टोन कलर के साथ। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस पल्सर 125 के कार्बन एडिशन में क्या क्या चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाती हैं। पेट्रोल टैंक के ऊपर में पल्सर का 3D में लोगो मिल जाता है सिल्वर फिनिशिंग के साथ, ब्लू कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं, बाकी साइड में आपको मिलते हैं कार्बन फाइबर टच के ग्राफिक्स और यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर के ग्राफिक्स। और पेट्रोल टैंक के नीचे में आपको मिल जाता है टैंक पैड। और दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है इसके कलर में, जैसा कि आप इसके कलर को गौर से देखेंगे तो चमकीले से यहाँ पर आपको माइनर से पार्टिकल नज़र आएंगे, मतलब इसका जो कलर है वो 150cc वाला ही दिया गया है। स्प्लिट यहाँ पर आपको सीट मिल जाती है जो इस बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बनाती है। अगर आप ज़्यादा कम्फर्ट लेना चाहते हैं तो सिंगल सीट में जा सकते हैं। सीट काउल के ऊपर में 125 और नीचे में ब्लू कलर और कार्बन फाइबर टच के यहाँ पर आपको न्यू डिज़ाइन के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। साइड में ये जो पैनल है ये आपको बिना कलर का मिलता है, छोटा सा स्टिकर मिल जाता है कार्बन फाइबर टच के साथ। बाकी इसके एग्जॉस्ट के ऊपर में ब्लैक मैट फिनिश का यहाँ पर आपको मिलता है एक एग्जॉस्ट गार्ड, और यहाँ पर आपको साइलेंसर मिलता है पूरा का पूरा मैट ब्लैक कलर में। पीछे में आपको मिलता है बड़ा सा टायर हगर। इसके रियर में आपको मिलता है 190/17 का ट्यूबलेस टायर और ब्लैक कलर के एलॉय के ऊपर आपको ब्लू कलर के स्टिकर मिल जाते हैं। इसके पीछे वाले टायर की मोटाई है 100mm की, जो कि थोड़ी सी कम मुझे यहां पर नज़र आ रही है। बाकी पीछे में एंड्यूरेंस के यहां पर आपको नाइट्रोक्स ट्विन गैस शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। बाकी पीछे वाले प्लेन को कम्फर्ट देने के लिए यहां पर आपको 2 फुटरेस्ट मिल जाते हैं दोनों साइड में। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बाइक में आपको किक मिल जाती है, और यहाँ पर आपको मिलता है ब्रेक पैड जो कि पुरानी वाली पल्सर के जैसा ही है, और 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। कार्बन फाइबर टच के यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, और 142kg का कर्व वेट है। ये है इस बाइक का कैटालिटिक कन्वर्टर, और ऊपर में दिया है ऑक्सीजन सेंसर। यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न मिल जाता है। बाकी ये है इसका क्रैश गार्ड। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में 240mm की डिस्क मिलती है, और 90/117 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। आगे वाले मडगार्ड के ऊपर में न्यू डिज़ाइन का यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर टच का थोड़ा सा स्टिकर, और साइड में ब्लू कलर का ग्राफिक्स और ग्लॉसी फिनिश के साथ आगे वाला मडगार्ड का पार्ट, और पीछे में आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक छोटा सा मड फ्लैप जिससे इंजन जो है वो गंदा ना हो। इस बाइक के फ्रंट में आपको 31mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप के सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। ब्लैक कलर के मिलते हैं आपको इस बाइक में एलॉय व्हील, और इसके साथ ही इंजन के ऊपर में DTSI ट्विन स्पार्क की ब्रांडिंग मिलती है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिल जाता है, जैसा कि आपको इसमें 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों साइड आपको स्पार्क प्लग मिलते हैं। ये है इसकी सेल्फ की मोटर। इसमें दिया है 124.4cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ट्विन स्पार्क DTSI इंजन। ये इंजन 11.8 PS की मैक्स पावर देता है 8,500 RPM पर, और 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6,500 RPM पर। 105 से 107 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास इसमें आपको हाईएस्ट टॉप स्पीड मिल जाती है। बाकी इसके साइड में आपको मिलते हैं फुली फ्लेक्सिबल इंडिकेटर, और यहां पर आपको मिलते हैं कार्बन फाइबर और ब्लू कलर के ग्राफिक्स, और ऊपर में ब्लैक कलर का वाइजर मिल जाता है, नीचे में बजाज का लोगो। और इसकी जो हेडलाइट है वो आपको मिलती है 35 वाट के हेलोजन बल्ब के साथ। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रोशनी तो नहीं मिलेगी, बाकी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। ऊपर में 2 छोटे से हेलोजन पायलट लैंप मिल जाते हैं। बाकी देखा जाए तो ये जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की और काफ़ी हैवी नज़र आती है। 150cc में भी और 125cc में भी लोग इसके लुक के कारण इसको काफ़ी पसंद करते हैं। 790mm की सीट हाइट मिल जाती है।
नाइट सेफ्टी के लिए इसमें आपको दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, बाकी आगे वाले व्हील से ही इसका जो मीटर है वो घूमता है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको पेट्रोल टी मिल जाती है, जैसा कि ये अभी रिजर्व में है और यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। नीचे में आप इसको मैन में करके चला सकते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिल जाता है, FI सिस्टम नहीं मिलता। बाकी इसमें आपको चॉक वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि ये BS6 वाली बाइक है। 5-speed गियर बॉक्स मिल जाता है और इसके साथ ही इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप का सेंसर फीचर्स और मेन स्टैंड भी मिल जाता है। बाकी इसका जो चेन सेट का जो मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको मेटल बॉडी का मिलता है, यहाँ से आप ऑयल वगैरह चेन में डाल पाएंगे। यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड मिल जाता है, जो कि काफ़ी लंबा भी है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है लेडी पिलियन के कंफर्ट के लिए। माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको मिलता है 55 किलोमीटर प्रति लीटर का 1 लीटर पेट्रोल में माइलेज। और वहीं पल्सर P150 जो न्यू मॉडल है उसमें भी आपको 46 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आसानी से निकाल कर दे देती है। जबकि मैंने कल चेक किया था तो 46 का आया था। यहाँ पर क्लिप ऑन वार टाइप की स्पोर्टी हैंडल बार मिल जाती है। यहाँ पर आपको मिलता है सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, जिसमें आपको RPM मीटर, RPM लिमिट की वार्निंग लाइट और यहाँ पर फ्यूल गेज मिल जाता है, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर और इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। बाकी टर्न इंडिकेटर, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, हेडलाइट, चेक इंजन की लाइट और बाकी इसमें आपको सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है। बाकी और कोई इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह नहीं मिलते। यहाँ पर इंजन के नीचे में सेल्फ स्टार्ट और साइड में आपको मिलते हैं बार एंड, जिससे ये जो बाइक है वो कम वाइब्रेशन करती है। यहाँ पर आपको पासिंग का बटन मिल जाता है, अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न का बटन मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इन बाइक के प्राइस के बारे में। तो ये है पल्सर 125cc स्प्लिट सीट कार्बन एडिशन का टॉप मॉडल। इसकी एक्सोरूम कीमत है 92,346 रुपये, ऑन रोड कीमत है 112,787 रुपये। और ये है ऑरेंज कलर में पल्सर NS125, इसकी ऑन रोड कीमत है 127,773 रुपये। और ये है न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर P150 सिंगल सीट सिंगल डिस्क बेस मॉडल रेसिंग रेड कलर में, इसकी ऑन रोड कीमत है 139,000 रुपये। और ये है बजाज पल्सर N160 ड्यूअल चैनल ABS, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाली बाइक है, इसकी ऑनरोड कीमत है 158,200 रुपये। और पल्सर NS160 की ऑनरोड कीमत है 156,000 और पल्सर P150 स्प्लिट सीट की ऑनरोड कीमत है 142,000 और पल्सर 125 सिंगल सीट कार्बन एडिशन की ऑनरोड कीमत है 110,140 रुपये। जो मैंने अपनी सिटी की ऑनरोड कीमत जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।